फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में एक बार पुनः स्वागत करते हैं साथियों, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टूथ हेक, इसके बाद फिर ईयर में दर्द यानी कि कान का दर्द और आंखों में दर्द शुरू हो जाता है उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए फ्रेंड्स एक बहुत बेहतरीन प्लांट किंगडम की रेमेडी है जिसका हमने बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिया है। इस रेमेडी का नेम है फ्रेंड्स प्लांटियागो मेजर, PLANTAGOMAJOR। इसका फ्रेंड्स कॉमन नेम है प्लांटेन, PLANTAIN। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे इस प्लांट किंगडम रेमेडी के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकें। यदि सिम्टम्स मैच कर रहा है तो, सिम्टम्स नहीं मैच करता तो आप अपने डॉक्टर अपने चिकित्सक के परामर्श के माध्यम से दवाई ले सकते हैं। लेकिन ये कॉमन रेमेडी है, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट देखने को मिला है। फ्रेंड्स हमारे प्रैक्टिस में हमने देखा है कि एक दिन दो दिन तीन दिन के अंदर अंदर पेशेंट को पूरी तरीके से लगभग आराम होते हमने देखा है मैक्सिमम केसेस में। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इसका सिम्टम्स ये है कि दांत के बीच में दर्द होना शुरू होगा और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके साथ साथ कान में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। जो मेम्ब्रांस रहते हैं उसमें से इन्फ्लेमेशन आ जाता है। फ्रेंड्स दांत का जो जबड़े होते हैं उसमें भी कई बार इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो चाहे वाम इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार के और पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फ्रेंड्स इसका जो की सिम्टम्स ये है कि ठंडी चीज़ खाने से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पायरिया के जैसे। फ्रेंड्स पायरिया में भी ये रेमेडी बहुत फायदेमंद है, यानी ठंडी चीज खाने से दांत का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट बिल्कुल बेचैन हो जाता है। लेकिन गर्म चीजें खाने से दांत का दर्द कम हो जाता है या कि आराम लगता है उस कंडीशन के लिए यह रेमेडी बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छे इसके हमने रिजल्ट देखने को मिला है। फ्रेंड्स इसके साथ फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि धीरे धीरे दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आँख से पानी आना शुरू हो जाता है, आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग और इचिंग पेन होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में यह रेमेडी बहुत प्रभावी, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि दांत के दर्द के बाद अगर ये सिम्टम्स आएँ तो ये आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आँखों में डायरेक्टली कोई पहले से समस्या थी तो उसके लिए फिर दूसरी रेमेडीज हैं। हाँ दांत दर्द के बाद अगर सिम्टम्स आए हैं तो ये फिर बहुत अच्छा प्रभावी रेमेडी रहेगी। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि अपन ने बताया कोल्ड चीज़ों ठंडी चीज़ों से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, गर्म चीज़ें खाने से या गर्म पानी पीने से, गर्म जैसे चाय पी रहे हैं उस कंडीशन में उनको रिलैक्स रहता है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स इसके साथ साथ और भी रेमेडीज हैं, जैसे आपको सिम्फाइटम, अगर लंबे समय से समस्या है दांतों संबंधी समस्या है तो आपको सिम्फाइटम मदर टिंचर को भी याद करना चाहिए, वो भी प्लांट किंगडम की बहुत बेहतरीन रेमेडी है। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत प्रभावी है, यानी कि कोल्ड सेंसेशन के लिए, पायरिया के लिए और भी जो अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन है टूथेक के लिए, उस अगर किसी को भी ऐसी कंडीशन है तो आप इस रेमेडी को जरूर याद कीजिएगा। फ्रेंड्स ये प्लांट किंगडम की रेमेडी है, इसका मदर टिंचर को आपको क्या करना है, गर्म पानी के साथ मुख में बहुत लगभग 5 से 10 मिनट तक आप रखिए, कुल्ला कीजिए, इस तरीके से दिन में 5-6 बार कीजिए और इसका जो 20 से 30 बूंद मदर टिंचर लीजिए और उसको थोड़े गर्म पानी के साथ आप पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको पहले ही डोज से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, लगभग 1 से 2 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत प्रभावी ये रेमेडी है, अगर किसी को समस्या है घर में तो उसको जरूर इस्तेमाल करवाइएगा और इसको घर में आप रख भी सकते हैं। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, अनुमति दीजिए, नमस्कार, बाय बाय।